आम आदमी की जिंदगी इस कदर इस दिनचर्या के में उलझ चुकी है कि उसको अपने लिए समय नहीं है। इंसान बड़ा परेशान है इस बात को लेकर, कहीं उसके डायबिटीज है, कहीं उसके बीपी है, कहीं उसके थायराइड है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो इस बात को लेकर जूझता रहता है आखिर उसका ये मोटापा तौन कैसे कम की जाए। लेकिन उसके लिए वो सिर्फ बिस्तर तक सोचता है, बिस्तर से उठता नहीं है, और खाने में उसको चाहिए पिज्जा बर्गर। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे। पत्रिका.com आपके लिए लेके आए, आपकी सेहत के लिए लेके आए एक बहुत सारी योग की सीरीज। हमारा अगला आसन है हलासन, जिसके लिए कि आप जमीन पर पीठ के बल लेट जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके शरीर का जो आकृति वो हल्की तरह हो जाती है, इसलिए हम हलासन कहते हैं। इसमें आप सीधे जमीन पर लेट करके बहुत ही धीरे धीरे अपने दोनों पांव को ऊपर उठाते हैं, बहुत ही धीरे धीरे उठाएंगे पांव को, जैसे कि आपके पांव बिल्कुल सीधे रहेंगे यहां पर। और उसके पश्चात हम कमर को भी धीरे धीरे ऊपर उठा करके अपने पाँव को जितना हो सके पीछे ले जाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे बिना किसी जर्क के। आप देख पा रहे हैं कि पाँव अंतिम अवस्था में पाँव आपकी ज़मीन से टच हो जाएंगे और टोज आपके फ्लैट रहेंगे, ऊपर की तरफ नहीं। और उसके बाद में आपके जो दोनों हाथ हैं वो कमर पर भी आप सपोर्ट के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका सांस बिल्कुल नॉर्मल चलता रहेगा, और क्योंकि इस आसन में आपकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। प्लस ब्लड सर्कुलेशन जो आपके पाँव पर, पेट पर, आपके सर पर एक अच्छा ब्लड का फ्लो होता है, तो इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड फ्लो आल्सो एंड वेरी गुड फॉर योर बैली पार्ट। देखिए पूरे तरह से पेट अंदर की तरफ सिकुड़ चुका है इस आसन में, तो ये आपकी बैली पार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। कुछ समय तक आप सांस को सामान्यतः चलते रहने देंगे, सांस को नहीं रोकेंगे इस आसन में हम, और जितना हो सके अपने हाथों से आप कमर को पीछे की तरफ पुश करते रहेंगे। जितना पुश करेंगे गर्दन पर प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक और चेतावनी दी जाती है, जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन है उनको बहुत ज़्यादा देर तक ये आसन नहीं रोक के रखना है। अब हम बहुत ही धीरे धीरे हमारे पाँव को नीचे की तरफ लाएंगे, धीरे धीरे पहले कमर से लाना शुरू करेंगे, कमर को नीचे लाएंगे, यस, पाँव को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएंगे और बिना किसी झटके के हम कमर को नीचे लगाएंगे पहले, और यहाँ रुकेंगे थोड़ा कुछ समय तक आसन, फिर धीरे धीरे अपने पाँव को नीचे की तरफ लाना शुरू करेंगे। यह था हमारा हल आसन, जो कि आपके वेट मैनेजमेंट प्लस आपका जो बैली पार्ट है स्पेशल, कई कारणों से जो बढ़ जाता है पेट बाहर आ जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इसकी शिकायत होती है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दिन भर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वो उनके दोस्त, उनके समाज, उनकी सारी सोसाइटी खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हम भी आपसे यही चाहते हैं, तो योग के लिए आज से आप तय कर लीजिए, योग करेंगे।